Oh my god, look who is here. Oh nice. ये पार्टी किसी और की आई नो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज फिर से एक नई सुबह। आज का मौसम अपडेट इस तरह से है कि अभी फिलहाल के लिए बादल। अब पता नहीं, आई थिंक जाता हुआ मानसून है तो दो चार दिन और ऐसा ही रहने वाला है, तो उसके बाद में भी शायद थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। पर एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि शिमला में हल्की सी ठंड शुरू हो चुकी है। अब बहुत ही जल्द जो है ना कोई विंड शीटर या कुछ लेना पड़ेगा, नहीं तो बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं। कल की रात में क्या बताऊँ आपको, क्या अमेजिंग नाइट थी। हमें भी नहीं पता था इतने सारे लोग हम इकट्ठे हो जाएंगे। शैलजा दीदी की किस्मत थी। उससे पहले जो हम लोगों ने सबने वीडियो बना के भेजी थी, शैलजा दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। सब लोग कह भी रहे थे कि शैलजा दीदी का रिएक्शन देखना चाहते, पर वो क्लिनिक में थे तो उनका रिएक्शन नहीं ले सकते। पर जब भी हम मिलेंगे ज़रूर पूछेंगे उनको कैसा लगा है। कल रात को भी वैसा ही हुआ, किसी को आइडिया नहीं था इतने सारे लोग हो जाएंगे और सेलिब्रेशन इस कदर हो जाएगा। फन किया सबने, सब लोग पहले अंतराक्षरी खेल रहे थे, फिर एक बलून से गेम खेलने लग गए। और अच्छा तब लगता है जब बड़े भी बच्चे बन जाते, तो बड़े भी फुल इन्वॉल्व हो गए थे, काफ़ी मज़ा आया। तो अभी सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज मौसम देख सकते हैं आप किस तरह से बादल ही बादल है, हल्की सी ठंडी हवा चली है। तो अभी देखते हैं आज का क्या प्लान है। पहले तो नेहा से पूछता हूँ क्या कर रही है। क्या बात है, आज तो आपने अपना अटायर ही चेंज कर दिया। ठीक है, कंफर्टेबल है? हाँ, तभी चलो बढ़िया। तो अभी हम आपको बता दें कि अभी हम लोग जा रहे हैं काम से, और फिर शैलजा दीदी का थोड़ा सा सामान है वो भी हम लोग सोच रहे उन्हें दे देते। तो फिलहाल तो पहले जाएंगे अपने काम करवाने, वो हो जाए। और शैलजा दीदी ने कहा है कि वो 2 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट फ्री होंगे, क्योंकि उनके पास टाइम कम है। और आप लोगों की किस्मत कितनी अच्छी है, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े उसमें बोल रहे थे कि रिएक्शन वीडियो भी होना चाहिए, और मुझे नहीं मालूम था कि आज हम लोग जो है ना शैलजा दीदी से मिलेंगे। हाँ। क्योंकि वैसे ही वो बिजी होते क्लिनिक में, तो चलो टाइम निकाल रहे हैं क्योंकि सामान था, कल वो ले जा नहीं पाए क्योंकि काफी रात हो गई थी। बिल्कुल, तो अभी चलो दे देते क्योंकि हमें वैसे ही बिजी इसमें काम है, घर से बाहर तो निकल ही रहे, तो सोच रहे कि सामान भी छोड़ देंगे। तो चले अब। तो हम लोग BCS पहुंच चुके हैं। हमें कल भी काम था एजेंसी में, कल बंद थी, लंच ब्रेक हो चुका था। आज हम थोड़ा टाइम से पहुंच चुके, तो काम करवा लेते हैं। अपना काम हो भी गया, 5 मिनट लगे, 5 भी नहीं हो सकते 2 मिनट। एक्चुअली दिक्कत ये थी कि यहाँ पे जो सिलेंडर आता है ना, वो पापा के नाम से रजिस्टर है, तो उनका फोन नंबर था, तो उनके पास ही आता था OTP। तो एक्चुअली दिक्कत ये थी, ट्रैफिक था बहुत तो मैं बता नहीं पाया। तो दिक्कत ये है कि सिलेंडर की बुकिंग होती है ना, उसमें पापा का फोन नंबर था, तो हमें वो चेंज करवाना था, क्योंकि हम लोग अब शिमला रहते हैं, नहीं तो पापा को बुकिंग करवानी पड़ती थी, उनके पास OTP जाता था, बहुत लॉन्ग प्रोसेस था। और कई बार होता था कि पापा बिजी है वो नहीं कर पाते, तो मैं सोचा क्यों ना अपना फोन नंबर अपडेट करवा देता हूँ, क्योंकि चौपाल में भी कनेक्शन है ना। हाँ। तो वहाँ भी नंबर चेंज करवाना था, तो पापा का नंबर यहाँ था तो वो वहाँ पे दे नहीं पा रहे थे, तो हमने यहाँ से चेंज करवा दिया। एटलीस्ट अब गांव में फिर उनका नंबर होगा ना, तो दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी इतना जल्दी सब कुछ हो जाएगा। हाँ। पर अच्छी चीज है कि हो गया। अब हम जा रहे हैं शैलजा दीदी के पास, उनका सामान भी देते और उनसे पूछते भी है कि उनको वो वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने भी उनसे अभी तक पूछा नहीं उनको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आज वो पूरे दिन भर अभी क्लिनिक में ही थे, अब जाके मिलते हैं। मुझे लगता है कि उनके लिए वो बेस्ट गिफ्ट था, जो उन्होंने मजाक में ऐसे ही बोल दिया था कि क्या स्पेशल कर रहे हो, तो वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैंने कभी कुछ स्पेशल नहीं किया शैलजा दीदी के लिए खासकर, तो इट्स टाइम टू पे बैक, कुछ ऐसा करूं कि उनको भी अच्छा लगे और सब लोगों को अच्छा लगे, कुछ मेमोरीज, कुछ यादें, कुछ अपने फैमिली मेंबर्स की विशेष। तो आई होप वो कॉन्सेप्ट उनको अच्छा लगा हो। और सबसे अच्छी चीज है, मैं डरी हुई थी कि कहीं रात को मुझे बुखार ना आ जाए, जो मैंने सुना था लोगों के एक्सपीरियंस, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हल्की सी बॉडी गर्म हुई थी बस, और हल्की दर्द है, ज्यादा नहीं है, और ये चीज अच्छी है ना। मैं अक्षय को बोल रही थी, अक्षय को भी क्या मतलब, 2-3 जिन लोगों से, मेरे कजन जिनसे मैंने सुना था, तो उन्होंने यही बात बोली थी, अगर बाजू में आप इंजेक्शन लगाते हो तो पक्का फीवर आता है और दर्द होती है। दर्द तो चलो होगी, पर टच वुड फीवर नहीं आया, तो ये चीज बहुत अच्छी है। और अच्छी चीज ये भी थी कि कल हम जो कुछ भी खाने का लाए थे वो भी खत्म हो गया, जो बनाया था वो भी खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पहले तो लोग आएंगे नहीं, बारिश थी। फिर मैंने कहा यार इतने सारे स्नैक्स खा लिए, वो शैलजा दीदी लेके आए थे, मैं कहा डिनर वेस्ट हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड थैंक यू सो मच सब लोग आए, और आई होप शैलजा दीदी को अच्छा लगा हो हम सबका ये कॉन्ट्रीब्यूशन।
छोटे से दो सरप्राइज थे, एक वीडियो एक ये वाला उन शैलजा दीदी के लिए। आज तो फिफ्थ फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और कहीं भी पार्किंग नहीं है, हर जगह पार्किंग फुल है और दो तीन गाड़ियां मेरे आगे खड़ी है, वेट कर रही है, हमें तो अंदर भी नहीं आने दे रहे थे। मैंने भैया को रिक्वेस्ट की क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है कि आप हमें थोड़ा सा समय दे दो, अगर कहीं पार्किंग मिलेगी तो लगा देंगे, नहीं तो हम निकल जाएंगे। गाड़ी तो निकल चुकी है पर यहाँ देखो किस्मत आगे मेरे है फॉर्च्यूनर, तो मेरे को लगता है फॉर्च्यूनर वाले भाई वहाँ पे गाड़ी लगा देंगे। वेट करना पड़ेगा, अब ये भी नहीं पता ना नीचे कौन से फ्लोर पे गाड़ी निकलेगी। अब नेक्स्ट लगा रहे कि निकल रही है चेक करते देखते हैं। इतना वेट करने के बाद हमें फिफ्थ फ्लोर पे ही यहाँ जाके पार्किंग मिली है साइड में, वैसे तो काफी जगह है यहाँ से गाड़ियाँ निकल जाएगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं संजौली और संजौली का मौसम इस टाइम पे ना बहुत ही सुहाना है, ये देखो आप, वाओ आज तो बहुत ही मेसमराइजिंग लग रहा है। और हमने जाना है यहाँ पे खोबलू जहाँ हम पिछली बार गए थे, क्योंकि अभी लंच टाइम भी हो गया, सोच रहे कि शैलजा दीदी को कुछ ट्रीट दे देते। तो यहाँ से मौसम देखो, वाओ ब्यूटीफुल व्यू। तो बस शैलजा दीदी का वेट करते, तब तक मैं सोच रहा हूँ मैं और नेहा चले जाते हैं कोई जगह देख लेते हैं, इस साइड मिलेगी नहीं तो उस साइड को भी है, तो इस बार ही नई जगह ट्राई करेंगे हम लोग। आज फिर से हम खोबलू, तो देखते हैं कैसा रहता आज खोबलू का एक्सपीरियंस। आज यहाँ नहीं बैठेंगे, शैलजा दीदी कह रही थी उस साइड को बैठना है, उस साइड भी जगह है, तो अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। हम बाहर आ चुके हैं दूसरी साइड से, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सेटअप है और यहाँ पे है बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक, तो ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाऊँगा। यहाँ से ओपन एरिया यहाँ देख सकते हैं आप, और यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देगा। वाह नीचे देखो कितने ज़्यादा छत ही छत दिखाई देंगे यहाँ से। हाँ आप कैट तो बाहर थी और नहीं है पता नहीं मैंने देखी। अब हम जगह शिफ्ट कर रहे हैं, हमारे साथ वाली खाली हो चुकी है और अंदर से आप रेस्टोरेंट देखो कितना खूबसूरत है, और इस तरफ कोई वॉशरूम और एक सिटिंग एरिया यहाँ पे है, तो म्यूजिक इज काफ़ी लाउड, तो ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे इस तरफ को, इसीलिए क्योंकि शैलजा दीदी से भी कुछ पूछना है तो वो इधर को ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों ओ माई गॉड लुक हु इज हियर, ओ नाइस, ये पार्टी किसी और की है नो। और यहाँ पे आपको पता है म्यूजिक भी लगा है। वेलकम शैलजा दीदी, कैसे आप? अच्छा हुआ आपने समय निकाल दिया, तो कितने अच्छे लग रहे दोनों भाई भाई बहन एक साथ बैठ के, सिर्फ मेरे ख्याल से फॉर लाइक कुछ घंटों के लिए, उसके बाद हमारी लड़ाई शुरू है। तुम मैं शैलजा दीदी से ये पूछना चाहता हूँ, देखो आपको कैसा लगा वो वीडियो जो हमने बनाई, वो इसीलिए क्योंकि काफी सारे लोग पूछना चाह रहे थे कि शैलजा दीदी का रिएक्शन देखना चाह रहे थे, तो आज हमें मौका भी मिल गया, मैं कहा चलो ये भी पूछ ही लेंगे साथ साथ में, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत ही टच्ड फील कर रही थी, मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गई थी जब मैंने वीडियो देखी, तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी टू ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर जिन्होंने मुझे विश किया, थैंक यू वेरी मच, और इट मींस अ लॉट टू मी, थैंक यू। और बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स ने भी आपको विश किया है, थैंक यू अक्षय की यूट्यूब फैमिली जिन्होंने मुझे विश किया, थैंक यू सो मच। और काफी सारे लोग इमोशनल भी हो गए थे, तो आई कैन अंडरस्टैंड वो इमोशंस होते हैं, वो इसीलिए आप इमोशनल हुए क्योंकि मे बी शायद आप ज्यादा कनेक्ट करते हैं हमसे, आपको समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी विश किया और इसी तरह से हमें प्यार देते रहे। एक सरप्राइज ब्लॉग था शैलजा दीदी के लिए, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, जिन्होंने वीडियो भेजी उन्हें ही पता था, पर क्या होने वाला है वो किसी को भी आइडिया नहीं था। ये चीज अच्छी कि इनको अच्छा लगा, हिंट इनको बिल्कुल मैंने रात को दिया था पर इन्हें समझ नहीं आया, अच्छी अच्छी फोटोज दे रहे थे, नहीं दी हमारे लिए बहुत करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि बड़े भाई की तरह है, तो इतना तो बनता है हमारा कि हम थोड़ा बहुत करें, जितना भी करते हो उतना ही बहुत है, कैमरे में नहीं दिखाते हम इसीलिए। तो चलो हाँ लंच टाइम है क्योंकि दी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, इनकी अपॉइंटमेंट है तो कुछ खा लेते हैं। यहाँ पे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे ड्रेस कोड रहता है, विद द बटर खा रहे हो आप? देख लो मतलब 50-50 कर लो। तो अपना लंच इज रेडी और ये हमने मंगवाया है शाही पनीर और चना मसाला, शाही पनीर और चना मसाला और कुछ बटर रोटी, तवा रोटी ली है क्योंकि फिर तंदूरी और वो सब खाने का भी मन नहीं है, तो अभी खाते लेट्स सी कैसा बना है। वैसे टेस्टी होगा क्योंकि पिछली बार राजमा चावल खाए थे मैंने, वाज वेरी टेस्टी यार, मज़ा आ गया था, पर हम मैं ये कुछ और चीज़ें भी ट्राई करना चाहूँगा, फिर देखते हैं कैसा टेस्ट रहता है, रिव्यूज़ ज़रूर लेंगे हम। तो भैया अपना खाना पीना तो हो गया, चलिए जी कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा था, बहुत बढ़िया यार,
मैंने पहले राजमा चावल खाए थे, मैंने बताया था वो भी टेस्टी थे, और अभी हमने जो चीज़ें खाई वो सारी टेस्टी थी। पर अब हमें शैलजा दीदी को बाय बोलना पड़ेगा। बस इतना सा ही टाइम था हमारे पास, फिर कभी फुर्सत से फिर मिलेंगे शैलजा दीदी से। तो आप यहाँ से क्लिनिक जाओगे? हाँ ठीक है, हम घर जाते हैं। शैलजा दीदी का पार्सल है, ये भी छोड़ना है घर, ये भी छोड़ देते हैं, और दूसरा सामान है वो भी इनके घर ही डायरेक्ट छोड़ते हैं। ठीक है, जब जाना तो ये ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। आज पार्किंग 5th फ्लोर पे मिली है हमें, तो सीढ़ियों से जाना तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए हम लोग रैंप से ही जा रहे हैं। और बस ये है कि गाड़ी का ध्यान रखना पड़ेगा, कोई आ तो नहीं रही है, बाकी यहाँ से ज़्यादा ईजी है चलना। क्यों? हाँ सीढ़ियाँ बहुत हो जाए। हाँ जी, ना खाया भी नहीं जाता है ज़्यादा। नहीं खाया जाता। चलो कोई बात नहीं, हमेशा मना करता था, और मैगी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, मैदा क्यों खाना है, खाओ तो अच्छी चीज खाओ। ये चीज ना मेरी सारी फैमिली को, फ्रेंड्स को, कजन को, सबको पता चल गया है, अक्षय भाई बाहर का नहीं खाते, और मेरे साथ दिक्कत बहुत हो जाती है, कहीं बाहर जाना हो वहाँ लड़ाई हो जाती है, कभी कहते अक्षय भाई खाएंगे नहीं वहाँ, पर अब ऐसा नहीं है, मैं कंपनी दे देता हूँ, कोशिश करता हूँ। सीखा है उन्होंने? नहीं सीखा नहीं है, मैं खुद के लिए नहीं खाता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिससे आपको फायदा हो। सुधरना तो आपको पड़ेगा ही। मेरे को लगता है खाना कुछ ज्यादा हैवी हो गया, आपके दिमाग में चढ़ गया है वो। मैं भूल गया था कि अभी शैलजा दीदी का सामान भी छोड़ना है, मैं ना घर को निकल पड़ा था, फिर नेहा बोले यहाँ से जाना है, मैं कहा क्यों जाना है, फिर समझ में आया वो शेट मैं का सामान बोलते चल घर चलते, मैंने भी इतना सारा सामान लेके आया है, लोगों के घर नहीं पहुँचाना है। नहीं अभी पहुँचा देते, ऊपर से क्या हुआ बोतल का ढक्कन खुल गया, सारा पानी गिरा दिया, सारे मेरे चश्मों के ऊपर गिरा दिया, यहाँ पे भी टिक गया। चलो अभी मैं पोछे से साफ करती हूँ उसको। हमने शैलजा दीदी का सामान दे दिया, ये टायर अपना बैठ चुका है, तो देखते हैं इसको पेट्रोल पंप जाते हवा भराते, मैं भी शायद हवा ही होनी चाहिए क्योंकि नए टायर डलवाए, पर फिर भी लेट्स सी। सुनो पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा, चलो हवा निकल गई। ये भी एक अजूबा है, अभी अभी नए टायर डलवाए और हवा कम होगी टायर की, तो आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ की सड़कें कैसी है कि एकदम टायर ही बैठ गया नया का नया। लग गया होगा कुछ ना रोड। हाँ हो सकता है, वैसे खड़े भी रहती है ना जब गाड़ी, तो फिर भी निकल जाती है, वैसा कोई सीन नहीं है। और इसमें अच्छी चीज ये है कि ट्यूबलेस टायर है ना, तो साथ साथ में ऐसा नहीं एकदम पंक्चर हो जाएगा, टाइम अच्छा। मिल जाता है, बस जब चलता है तो थोड़ा बहुत एयर रहती है तो चलता रहता है, पर जब तो बैठ गया है तो एकदम फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा वो ट्यूब वाला बैठ जाता है जल्दी? हाँ फिस हो जाता है वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, ट्यूब वाले का तो बहुत ही मुश्किल है, पर अब ट्यूब वाले टायर बहुत ही रेयर है, जिप्सी में अभी तक मेरे पास ट्यूब वाले सच। संजौली से आने के बाद मैं और अक्षय थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, रेस्ट तो क्या मतलब 5 बज गए थे, तो थोड़ा सा बैठ के ऐसे चाय और थोड़ी सी ऐसी बातें कर रहे थे, और अभी मैं बाहर आई तो अब देखो बिल्कुल रात हो गई है, इधर उधर लाइटें ही लाइटें चमक रही है और कितना सुंदर लग रहा है। तो डिनर टाइम हो चुका है, यहाँ पे लगे है भजन, पर नेहा सो गई है। नेहा ठीक हो? क्या हुआ? ऐसी लेटी हूँ। डिनर अभी नहीं करना ना? नहीं थोड़ी देर में करेंगे, ऐसी बैक पेन ऐसी हाथ में दर्द हो रही थी, तो मैं सोचा थोड़ी देर ऐसी लेट जाती हूँ, खाना तो बना है, जब खाना होगा तो। हाँ कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो आप ना थोड़ी टाइम, फिर खा लेंगे, अभी तो वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम है, अभी आधे घंटे में खा लेंगे खाना। ठीक है, आपको भूख लगी है तो फिर मैं? नहीं नहीं साथ में खाएंगे यार, मेरे को क्यों भूख लगी, अभी लंच करके तो आए थे वहाँ से। ठीक है, करो आप रेस्ट। डिनर की तैयारी हो चुकी है, फ्रेश हो आप? चलो इसके बाद थोड़ा सा वॉक करेंगे, फिर रेस्ट ही करना है, लेट हो गया डिनर के लिए। सही बात है, आज वैसे भूख लग नहीं रही थी, और हमने जो खोबलू में खाना खाया ना वाज वेरी टेस्टी, और उनका ना मतलब हर एक चीज टेस्टी है। सही बात, चाइनीज तो देखो नहीं पता, पर जो अभी हमने इंडियन ही खाया, राजमा चावल जो आज भी खाया, तो मतलब अब वो तो ऑब्वियस ही बात है, आप कहीं बाहर खाओगे हैवी तो होता है, उनका मसाला ज्यादा होता है, पर बहुत टेस्टी बहुत रहता है, ऐसा भी नहीं रहेगा जैसा आपको चाहिए ना, आप पहले ही पूछेंगे आपको तीखा चाहिए या मीडियम चाहिए, वो चीज़ बहुत अच्छी है। हाँ और टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं, बहुत बढ़िया, और आप लोग भी जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। आपको पता है वो है किसका? है किसका? हाँ अमीनाबाग है उनका। हाँ, है ना, उनका कोटखाई में भी है कोई जगह, जो आपके हाटू मंदिर है ना उसके ऑपोजिट है कहीं, मैंने भी सुना है, देखा नहीं है। अच्छा, उन्होंने अपने हट्स बनाया है। अच्छा समझ गया मैं।
तो वो और यहाँ पे भी बनाया, तो भैया ने जो भी है बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ पे भी अच्छा खाना दे रहे हो और उससे दुआएं मिल रही है और ग्रो भी कर रहे हैं, वो अच्छी चीज है। तो मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी इसी के साथ यहीं पे खत्म करता हूँ और डिनर भी करते हैं ना। हाँ जी। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो इतनी अच्छी लगेगी सबको, पेरेंट्स का भी फोन था, वो भी कह रहे थे उन्हें भी बहुत अच्छी लगी, इवन मम्मी तो रो भी रहे थे, तो मेरे को वो बड़ा अच्छा लगा क्योंकि जो लोग समझते उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। मैं ऐसे एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, सबको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ, वैसा नहीं है, पर कभी कभी हो जाता है। नेहा भी सही बात बोल रही बीच में। तो चलो जो भी था अच्छा था, थैंक यू सो मच वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, कोशिश करते रहेंगे बीच में ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहे। और मैं सोचो इस व्लॉग को ये पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।